इसका मतलब अगर हमारा परीक्षा फल जो है परीक्षा परिणाम ठीक नहीं है तो इसका मतलब बीच में खराबी है, यानी हमारे विचार करने के तरीके में खराबी है, थॉट प्रोसेसिंग खराब है। थॉट प्रोसेसिंग ठीक होगा तो फल मिल जाए। मुझे लगता है कि मेंस में भी आपके ज्ञान की परख नहीं है, ज्ञान की परख ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स तक सीमित हो जाती है। मेंस में यदि आप बहुत ज्यादा जानकारियां लिखते हैं तो किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पढ़ना चाहता आपके ज्ञान को, क्योंकि आप पढ़ना नहीं सकते किसी से। आज के जमाने में पढ़ना बहुत मुश्किल काम, पैसे दे के नहीं पढ़वा सकते आप। अगर 10 पेज लिख लें और किसी को कहें कि 100 रुपए दूंगा या 10 पेज पढ़ के बताओ, भाग जाए, नहीं पढ़ सकता। पढ़ने का पेशेंस किसी में नहीं है। तो आप उम्मीद करते हैं कि कॉपी चेक करने वाला आदमी अपने दोस्तों से मिलने गया है, अपने रिश्तेदार उस शहर में रहते होंगे, इंदौर में या फिर दिल्ली, इसलिए वो कॉपी चेक करने जाता है। सन लोग से बाहर होने वाले वो कॉपी चेक करने के लिए नहीं जाता है, दोस्तों से मिलने जाता है, रिश्तेदारों से मिलने जाता है, शाम सुबह घूमना है, उसका बोर्ड केस चल रहा है तो वकील से मिलना है उसको, उसका वकील वहाँ रहता है, इस वजह से जाता है। और पार्ट टाइम जॉब की तरह वो वहाँ जाता है और वहाँ पर भी उसकी निगाह जो होती है वो चाय नाश्ते पे होती है, खाने पीने पर होती है, अपने दोस्तों से मुलाकात पर होती है। तो फिर कैसे कैसे आप पढ़ाएंगे उसको? वही भैया जो तैयारी हम उन एक्टिविटीज में देखते हैं, लड़ाई वाली और ताइक्वांडो और जो तमाम प्रकार की जो आर्ट है उनमें जो आप देखते हो वैसी तैयारी आपको करनी पड़ती है। वैसी तैयारी कैसे होगी? दरअसल आपने यूट्यूब पे देखा होगा, मैं देख रहा था, मैं भी अपलोड करता हूँ अपना वीडियो, को देखा नहीं तो उसका कारण समझ में नहीं आता कि हमारे व्यूज जो है वो 500 के आसपास जाते हैं, दूसरों के 5000 चले जाते हैं। फिर हमने एक प्रयोग किया कि क्या करें कि एक थंबनेल बनाए ऐसा जिसमें ये लिखें कि कैसे बने IAS, ऐसा पहले ऊपर दिखे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहा, उसको कम से कम 1000 लोगों ने देखा। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा बनाया जाए कि इसके बिना IAS नहीं बन सकते तो शायद उसको और ज़्यादा देखें। कई लोग ऐसे सवाल अश्लीलता पे चले जाते, लड़की से IAS इंटरव्यू में ऐसा पूछा कि वो जवाब नहीं दे पाई, मतलब ऐसा कुछ जो जिससे कि आदमी की क्यूरियोसिटी जागे, मतलब और कम से कम उसका वीडियो व्यू में चला जाए, है ना, उसको उससे मतलब नहीं पूरा वीडियो देखेंगे तो ओपन करता है कि नहीं। कई सारे छोटे जो वीडियो होते हैं उनमें अगर एक बार आपने ओपन भी कर लिया, एक दो सेकंड भी चला लिया तो व्यूज काउंट हो जाता है, तो उसको व्यूज बढ़ाने हैं अपने, आपको भी अपने व्यूज बढ़ाने हैं। आपके अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चन भी कोई देखता है कि नहीं, वो पढ़ता है कि नहीं? कब पढ़ेगा? जब ऊपर की पहली लाइन हेडलाइन या पहली कुछ लाइनों में या बॉक्स में कुछ आप चीजें जमा करके प्रस्तुत करके उसको दोगे। अगर आपने लिख दिया वेस्टर्न घाट के ऊपर लिख रहे हैं, पश्चिमी घाट के ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर लिखेंगे बायोडायवर्सिटी का दूसरा खजाना, हेडलाइन है आप ये देंगे, पहला खजाना हिमालय हो गया, वेस्टर्न हिमालय हो गया, ठीक है। और अच्छा उसको लिख दिया पवित्र खजाना, तो हिमालय पवित्र, तो बायोडायवर्सिटी की चाबी हमको कुछ कुछ करना पड़ेगा। लिखते समय में कुछ ऐसी पंच लाइन बनानी पड़ेगी, वो कैसे बनेंगी? वो तैयारी से बनेंगी, विचार से बनेंगे, विचार करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं आपने बहुत ज्ञान दिया है, 10 एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम लिखे हैं और इलाका लिखा है इतने हजार किलोमीटर, इतने किलोमीटर तक, इतने बाय इतने किलोमीटर में ये फैला हुआ है, किलोमीटर में ये फैला हुआ है, आपने सारे तथ्य दे दिए, उसको कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे हमारे वीडियो को कोई नहीं देखता है ना, क्यों नहीं देखता है? क्योंकि उसको लगता है क्या है उसमें, क्या रखा है उसमें, कुछ आकर्षित करने वाली चीज हम ऊपर डालते नहीं। और जब तक वैसा हमने बनाया नहीं, पहले पेज पे वैसा दिखेगा नहीं, वो कुछ देखेगा नहीं, हमको दिखाना भी नहीं, हमको कोई ज्यादा वो इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो उसके माध्यम से कोई लोकप्रियता हासिल करनी हो या पैसा कमाना, कोई कोई नहीं।
उसको देखना है तो कोई देख लेगा, नहीं देगा नंबर देख लेगा, उसका कोई नहीं। आप यहाँ अगर 5 मिनट तैयार करके पढ़ेंगे तो भी पढ़ा देंगे, 500 लेंगे तो भी पढ़ा देंगे, हमको कोई देना देना कोई लोग नहीं करके कोई कोई आवश्यकता। और हमारा एक उद्देश्य और है कि हम ऐसे लोग से भी तैयार करेंगे तो समाज के काम आए, बाकी भी लोग से भी उनके अंदर वो संवेदना हो, भाव संवेदना हो, बिना भाव संवेदना की कोई मतलब नहीं, और वही हम जगाने की कोशिश करते हैं। और वो होती है सदविचार से, अच्छे विचार से। अगर अच्छा विचार होगा तो सदव्यवहार होगा, उसी से सत्कर्म संपन्न होगा। अगर दुर्विचार होगा तो दुर्व्यवहार होगा और दुष्कर्म होगा। इसलिए आपने देखा कि वर्मा कमेटी का जब रिजल्ट आया था और महिलाओं के लिए जो पॉस्को कानून बना था सुरक्षा के लिए, तो उसमें महिला सुरक्षा के कानून में सबसे पहले रखा कि जो व्यक्ति पीछा करता है और घूमता है उसी को अपराध मान लिया गया, विचार को ही अपराध मान लिया गया। यानी विचार आया है इसका मतलब अब कर्म संपादित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो विचार के लेवल पर समस्या को समाप्त करते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है और अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई आदत है, बुरी आदत है, तो विचारों पर कंट्रोल करना। अगर आप सोचेंगे कि विचार करने से कुछ नहीं होता, विचार तो हम कर लेते हैं और बाद में जब कर्म होना होगा तब हम नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। विचार बीज हैं और जब आप विचारों को बोते हैं तो फिर सिंचाई हो जाती है और फिर वो फलते फूलते हैं और उसके जो फल होते हैं वो दुष्कर्म के रूप में आते हैं अगर दो विचार। इसलिए विचार पे ही हम कुछ लगाना है। अगर आप गंदा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, गंदी फिल्म नहीं देखेंगे, गंदा काम नहीं करेंगे, किसी का पीछा नहीं करेंगे, किसी के पीछे साजिश नहीं करेंगे, आप ये कुछ बताइए किसी से भी अचानक हत्या कहाँ होती है? अधिकांश हत्याएं योजनाबद्ध होती हैं, उसके लिए हथियार इकट्ठा किया जाता है, सबसे पहले दुश्मन तय किया जाता है कि किसको निपटाना है, फिर उसके लिए संज्ञान निपटाए जाते हैं, विचार किया जाता है, कई बार कई महीनों तक विचार चलता है। आप लोग यहाँ आए इसके पीछे भी एक विचार काम कर रहा है, एक थॉट था, बिना विचार के आप सीधा नहीं आ गए। पहले आपने कैसे किसी से सुना, फिर आपका थॉट प्रोसेस हुआ, फिर आपको लगा कि उचित है या अनुचित है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, फिर जाकर के आपने तय किया और तब जाकर कर्म संपादित हुआ और आप यहाँ बैठे हैं। आईएएस की तैयारी करने के सोचने के लिए बहुत पहले सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। इसलिए सारी की सारी समस्या विचार की, विचार अच्छे होंगे कर्म अच्छा हो, फल अच्छा हो। और विचार गड़बड़ है इसलिए विचार होंगे। कई लोग बोलते हैं मैं तो केवल सोच रहा था, आपने हमको इतना दोषी कैसे मान लिया या हमने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो ऐसा आपको क्या है कि वो समझ नहीं पाता, लेकिन हमको दुर्गंध बहुत दूर से आती है, बहुत ही दूर से आने लगती है हमारी समस्या है। इतने दिनों तक युवाओं के बीच में रहे तो युवाओं की नब्ज समझ में आने लगी, इसलिए अगर गलत विचार चल रहा है तो दुर्गंध उठती है। पॉजिटिव पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की जो बात करते हैं कि आपके अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मक विचारों का प्रवाह आ रहा है, तो उसकी एक दुर्गंध होती है, एक सुगंध होती है। अच्छे विचारों की, सद्विचारों की सुगंध होती है। अच्छे काम करने का आपका मन है और आप दूसरे की भलाई करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, आप दूसरे के दुख में शामिल होना चाहते हैं, दूसरे के दुख को कम करना चाहते हैं, ऐसे विचारों की सुगंध ही कुछ अलग होती है और उसका वो व्यक्ति दुख का एक हिस्सा बनता है। उसमें लागत पेट नहीं होता, उसमें नकली मुस्कुराहट नहीं होती, उसमें चालबाजी नहीं होती, उसमें सद्भावना का भाव होता है। और दूसरी तरफ जो एक विचार होता है जिसके पीछे कुटिलता होती है, चालबाजी होती है, स्वार्थ होता है, नुकसान करने की इच्छा होती है अंदर, और बहुत सारी जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं, सब प्रवृत्तियां चल रही है, उनकी में विघ्न डालने की इच्छा होती है। तो पुरातन काल के हिसाब से, अगर रामायण काल के हिसाब से देखें तो उसको राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। राक्षस कोई ऐसे व्यक्ति व्यक्ति वही होता है, उसके कोई सिंह नहीं लगे होते, उत्कुमार नहीं होता था, सामान्य व्यक्ति होता था। कई सारे हत्यारे आप देखते हैं जो लाश छुपाते हैं, ठिकान में रहते हैं, उनके चेहरों को जब दिखाते हैं टीवी पे तो कितने मासूम लोग हैं, चेहरे से कितने मासूम लगते हैं, लेकिन कितने कुमार देह की जैसे आदमी है, वही राक्षस, वही राक्षस है जो अपने शुरू केस में बंद करके रख लेता है बच्चे को मार के। और सिविल सर्विसेज की मैच भी देगा, 2 बार सिविल सर्विसेज की मैच दे दिया और मकान मालिक के बच्चे को मार करके सूट में सूटकेस में दबा दिया। अब
आप इमेजिन नहीं कर सकते इसका मतलब है कि वो बच्चा शेविंग करता होगा, हो सकता है उसके चेहरे पे कोई मुकाम तत्व ना हो, कौन ऐसे बच्चे को जो है अपने यहाँ किराए पर मकान दे विश्वास करने लायक होता है। विचारों की जो खेल है उसके लिए मुझे लगता है कि आप बाहर दुनिया में जहां कहीं कोचिंग में जाते हैं आप हो सकता है पढ़ लें आप कुछ बन जाए, लेकिन जो थॉट प्रोसेसिंग वाला और कर्म वाला मामला है वो यहीं से अच्छे से संपादित होने वाला है। यहाँ हम लोग इस एटमोस्फेयर में गायत्री मंत्र का जाप करके इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं पढ़ाने का, तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमको सद्बुद्धि मिले, सद्विचार मिले, अच्छे विचार मिले और हम लोग अच्छे कर्म की तरफ जाए। आप कहेंगे ये कोई जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बिना इसके बात बन नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। आप कहेंगे कि अगर हम आग लगा लें चूल्हा लगा लें उसमें हाथ दे के हम जलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, आग जला दी बीच में हाथ ले जाएंगे ठंडा करेंगे, ऐसा ही होता है, ये सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि गलत विचार होगा तो गलत चीज होगी। तो फिर किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले उसकी एक पृष्ठभूमि विचारों के रूप में होगी, और यदि वो विचार जो है आप अभी से ही करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें और बहुत ज्यादा तथ्यों की रटाई रटाई की उसकी आवश्यकता नहीं है, प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता है। अब बात रख पा रहे नहीं अपनी और सकारात्मक रूप से रख पा रहे नहीं, सामने वाले को प्रभावित कर पा रहे नहीं, उसके ध्यान को खींच पा रहे नहीं खींच पा रहे, वो आपकी चीज को क्यों पढ़े। तो आप लिख सकते हैं एथिक्स वाले पेपर में, आप लिख सकते हैं अगर आपसे सिंपैथी इंपैथी या ऐसा कोई प्रश्न पूछा तो हेडलाइन लिख सकते हैं इसके बिना तो प्रशासनिक अधिकारी पशु समान हो जाएगा, क्योंकि फिर हम लिखना शुरू करें पॉइंट्स तो शायद वो पड़ेगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी पशु समान हो जाएगा मतलब आपने पशु समान बता दिया। एक पढ़े लिखे आदमी को जो सिविल सर्विसेज को पास करके जा रहा है, हीरो आईपीएस पशु है, अभी जानवर है, वो सौदा करते हैं बच्चियों का सौदा करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सौदेबाजी करते हैं, जहरीली शराब का सौदा करते हैं, हत्यारों के साथ मिले हैं, स्मगलरों के साथ मिले हैं, 60% तो है ही और बाकी के 30% पैसे हैं, और 10% एक्टिवली अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे प्रकार के जो सुविधाएं हैं और भ्रष्ट आचरण उससे बच नहीं सकते, बचे नहीं क्योंकि उनको साइडलाइन कर दिया जाता है अगर वो एक्टिवली आवाज उठाते हैं, हमारा सिस्टम उसको साइड कर देता है, उसको पोस्टिंग ही नहीं मिलती, लुक लाइन में डाल दिया जाता है, इसलिए मजबूरी में वो एक ईमानदार आईपीएस इस देश में मिनिमम 5 लाख की रिश्वत खाता है हर महीने, जो सबसे ईमानदार है, उसके ड्रॉवर में ऐसे ही लिफाफे आते जाते हैं 50-50 हजार के 1 लाख के अलग अलग विभाग के, वो सबसे ईमानदार ऑफिसर होता है, यानी वो किसी से मांगता नहीं और उसका जब लिफाफा जब वो डालता है तो देखता है अच्छा, और अपने कॉन्स्टेबल से बात करता रहता है, अच्छा वहां का आते हैं वो हो गया, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं वो सबसे ईमानदार होता है जो मानता है, अब इसमें भ्रष्ट कौन है जो सौदेबाजी करता है, कुछ बात करता है कौन से भाई, इस बार 50,000 से नहीं चलेगा, इस बार तो मुझे 5 लाख की जरूरत है अलग से, वो भ्रष्ट वाला है, यानी आईपीएस अपने ग्रुप में भ्रष्ट किसे मानते हैं, वो 5 लाख रुपया महीना जो रिश्वत का खाता है उसे भ्रष्ट भी नहीं मानते, ये हमारा चरित्र है और इस सिस्टम में हम रह रहे हैं और ये सहज है, बिल्कुल सहज है, कोई न्यूज़पेपर वाला उसके खिलाफ नहीं चाहता, स्टाफ वाले सब खुश रहते हैं साहब अच्छे हैं, क्योंकि उसका वो ट्रिकल डाउन टाइप जो है उसका थोड़ा थोड़ा नीचे वालों को भी मिलता है, अगर साहब बहुत ईमानदार हो जाते हैं तो या तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सारा डोर रख लेते हैं, लेकिन अगर वो नीचे तक ध्यान रखते हैं कैमरे लगा रखे हैं और अपने सीसीटीवी पे जो है उस पर देखते रहते हैं कि कौन से चैम्बर में कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, तो फिर वो बहुत खराब वाला वो बेकार ऑफिसर, उसके जो 2% लोग होंगे तमाम आईपीएस, इसलिए पशु बनते जा रहे हम लोग, पशु तैयार कर पशुता की ओर ले जा रहे क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो वाले विचार नहीं है, इसलिए उसे कर्म नहीं,
इसलिए सिविल सर्विसेज का सिलेबस पढ़ने से नहीं होगा, सिलेबस तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मारक क्षमता की भी खुशबू होती है, विचारों की भी खुशबू होती है जो उसको आकर्षित करती है यदि आप लिखते हैं। और ऐसे में यदि आपने बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं भी लिखे तो वो ठान लेता है कि इस व्यक्ति का बनना बहुत जरूरी है, इसका सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। अगर ये सिस्टम में आया तो क्रांति करेगा, ये सिस्टम में आया तो कुछ करेगा, मुझे इसमें उम्मीद है। क्योंकि वो इतने सैकड़ों लोगों को नंबर दे रहा है तो उसको क्यों नहीं देगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है परोपकार करना, दूसरे की मदद करना सहज प्रवृत्ति है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरे की मदद नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया पे आप अभी मैं से एक बच्चा है जिसकी आईएएस का इंटरव्यू दे रहा है, तो कल पूछने आया था 2-3 दिन पहले कि सर इंटरव्यू है, और अगर वो पूछते हैं कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हो, और आपने तो बीटेक किया है और बीटेक कर लिया, और तो बहुत सारे लोग अभी इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, आपसे सवाल होता है। कई लोग एमटेक करके आते हैं, स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं कि अगर आपने इधर स्पेशलाइजेशन किया, इधर भी सीट खराब की, आईआईटी की सीट खराब की, उधर कोई दूसरा बच्चा बेचारा वो करता तो बीए कर लेते, फिर आईएएस में आ जाते, उधर भी सीट खराब की, अब इधर आईएएस में भी आ रहे हो। हाँ, तो ये जो है इतना स्पेशलाइजेशन करने के बाद इधर क्यों आ रहे हो। तो ऐसे समय में उत्तर जो है वो बनता है कि क्या उत्तर दिया जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति लोक कल्याण परोपकार, और चूंकि वो सहज प्रवृत्ति है, और मैं जब 11th 12th में था तो पारिवारिक दबाव था, या फिर परिवार में जो जितने भी बच्चे थे सब लोग मैथ्स लेते थे, हम लोग भी मैथ्स लेते थे, साइंस लेते थे, और कई लोगों ने जो है समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे 90% थे 12th में या 80% थे, और ऐसा बच्चा यदि आर्ट्स पढ़ता है 11th 12th में या कॉलेज में बीए करता है तो बहुत विरोधी खड़े हो जाते हैं, नया स्ट्रगल करना पड़ता है। जब तक बीए करो रोज किसी को समझाओ कि हम बीए क्यों कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम जो है इंजीनियरिंग कर। अब इंजीनियरिंग कर तो लिया हमने, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद हमने ये देखा कि कंप्यूटर पर बैठ करके जब हम लोक कल्याण करेंगे या और कहीं ऑफिस में बैठ करके लोक कल्याण होगा तो प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, और लोक कल्याण अपने आप में एक थेरेपी भी है, परोपकार एक थेरेपी की तरह काम करता है, उससे एक ऊर्जा निकलती है। और हम जब किसी की मदद करते हैं तो देखा जाए तो हम खुद की भलाई कर रहे होते हैं, जब दूसरे की मदद करते हैं तो अंदर से बहुत अच्छे रसायनों का इस्तेमाल होता है, हार्मोन साथ देते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी साथ देती है, शरीर के रसायन साथ देते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और मन को बहुत अच्छा लगता है। आपके एक बहुत अच्छा दोस्त है जो बहुत उल्टे सीधे काम करता होगा और कॉलेज में गुंडागर्दी करता है, शराब पीता है, अगर वो किसी दिन घर आ जाए तो आप अपने दादाजी और पिताजी से और माँ से उसे छिपाना चाहेंगे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा लड़का हो, आपका दोस्त हो, लोक कल्याण करता है, उसका दिल बहुत बढ़िया है, 7 दिन का आदमी है, पवित्र काम करता है, उसके व्यसन नहीं है, तो आप हर किसी से मिलाना चाहेंगे, बड़े बुजुर्ग से मिलाना चाहेंगे, उसे कहेंगे सर पिताजी दादाजी मेरा दोस्त है, क्यों? क्योंकि आप ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करते हैं, ये स्वभाव है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो अगर कोई किसी को सड़क पार करा रहा है, एक वो बहुत अच्छा सा एक सोशल मीडिया वीडियो आता है कि चूजों को पार कराता है वो सड़क, एक बंदा जो है चूजे लाइन से चल रहे होते हैं वो उनको सड़क पार करवाने में मदद करता है, उसको बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं, बहुत शेयर है। एक गांव वाला है मुंह चोट टांग के जो है वो कोई फोटो खिंचवाया हुआ है किसी लड़के ने, उसको कोई शेयर नहीं करता, उसके दोस्त लिख देते हैं वो खूब जम रहे हो जैस रहे हो पड़े पड़े बस पड़े, लेकिन उसको शेयर वेयर कोई नहीं करता, बहुत ज्यादा लाइक्स भी नहीं मिलते। अगर वो माफिया है डॉन है तो फिर उसके थोड़े से बहुत ज्यादा मिल जाते हैं डर के मारे, या सोचते हैं कि कभी काम आएगा ये, कभी मेरी कमेंट पे नजर पड़ जाए तो मेरा कल्याण हो, ठीक है उसका हो सकता है। बाकी अधिकांश जो शेयर मिलते हैं लाइक्स मिलते हैं वो किस चीज के मिलते हैं, लोक कल्याण वाली चीजों के, उसको क्योंकि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, ये उसको पसंद आती है। और यदि मेरा जॉब ही सहज प्रवृत्ति वाला हो जाए, लोक कल्याण का ही मेरा जॉब हो जाए, जहां मैं जाऊं वहां लोग मेरा इंतजार करें और मुझसे अपनी समस्याएं सुनाते हों, क्योंकि अगर मैं सिविल सर्विसेज में नहीं हूं तो लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स आके नहीं बताएंगे। सिविल सर्विसेज एक ऐसा फील्ड है जिसमें लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में रोज लोग आपको अपनी समस्याएं बताते हैं, किसी को भी कोई भी समस्या होती है हम कलेक्टर को जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, हम जा रहे हैं ये देने के लिए, कलेक्टर साहब से कहेंगे
बिजली की समस्या हो, खाने की समस्या हो, हॉस्टल की समस्या हो, स्कूल से हो, हॉस्पिटल से हो, किसी भी सेक्टर की समस्या, सब कलेक्टर के पास है। तो यदि मैं अपनी रोटी उसी से कमाने लग जाऊं सेवा से, और लोक सेवा करके और लोक कल्याण करके ही अगर मैं जिंदा रहने लगूं तो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेरा समय बचेगा। नहीं तो मैं 12 घंटे 10 घंटे जॉब करूंगा कोई, उससे मेरी रोटी कमाऊंगा, और फिर अलग से यदि मैं सेवा करने के लिए निकलूंगा तो मेरे पास समय नहीं है और मुझे लोग नहीं मिलेंगे जिनकी मुझे सेवा करनी। और मेरा संकल्प इतना प्रबल है कि मैं उसमें इसलिए जाना चाहता हूँ सेवा करने के लिए, और यदि मैं नहीं जाता हूँ तो मेरी जगह जो व्यक्ति जा रहा है वो सेवा करने वाला होगा उसका परसेंटेज कितना है, इसलिए मुझे उसको रिप्लेस करना है, मुझे तो आने होगा, इसलिए मैंने अतिरिक्त मेहनत की और नहीं आऊं। मुझे लगता है बहुत ही सॉलिड जवाब है और इसमें कृतज्ञता नहीं, क्योंकि आप सहज प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, आप अपनी विशेषता नहीं बता रहे, मनुष्य की विशेषता बता रहे। अब अगर वो आपको मार्क्स नहीं देता इसका मतलब उसकी सहज प्रवृत्ति गलत है, आवाज खतरे में वो आ गया, क्योंकि आपने मनुष्य और इंसानियत की निशानी जो है वो बना दी है, इंसान है तो मदद करें, इंसान है तो लोक कल्याण करें, और अब वो लोक कल्याण करना चाहता है इसका मतलब आप रोक रहे हो, अब वो विलेन हो गया उस स्टोरी में जो स्टोरी आपने बनाई। तो ये जो आपको अब ये अगर आप बनावटी करेंगे इसको, अगर ऐसे भाव नहीं लाएंगे सेवा के और बनावटी करेंगे तो चेहरे की आंखें और कृतज्ञता बोल देते, बनावटी पर बोल देते, नीचे लिखे किताब गुरु जी आकृति देखकर मनुष्य की पहचान पहले भी बोलो किताब आकृति दे भटकेंगे नहीं, ध्यान रखें खुद को ठगा लेना और अपने आप को ठगवा देना किसी से, कोई आपको ठग जाए ये भी अपराध है, मनुष्यता के प्रति अपराध है, समझ लो। गुरु भी ध्यान से कीजिए, या तो परम पूज्य गुरुदेव को गुरु मान लीजिए निष्कलंक अवतार है, और या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में जिस प्रकार से आपने देखा कि गुरुद्वारों में जब गुरु गोविंद सिंह को लगा कि आने वाले जो सिख लोग जो होंगे गुरु होंगे शायद उतने उत्कृष्ट ना हो अपने कर्तव्यों में कामों में कि लोग उनको फॉलो कर सकें, और देखा भी आपने उसके बाद जो महंत बने थे गुरुद्वारों में उन्होंने बहुत सारा भ्रष्ट आचरण किया, उसी के खिलाफ डेरे आंदोलन चले थे, वो डेरे आंदोलन के भ्रष्ट हो गए, तो उन्होंने किताब बना दी कि ये गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें बहुत सारे अच्छे शब्द हैं और बहुत सारी वाणियां हैं, इन वाणियों को अच्छे अच्छे महापुरुषों की वाणियां हमने इसमें लिख दी है, इनको पढ़िए और इन्हीं की पूजा कीजिए और इनके अनुसार अपने जीवन को डालिए। यही सिख धर्म के संस्थापक जो अंतिम गुरु थे उन्होंने निर्देश दिया आप ही पुस्तकों को गुरु बना सकते हैं, अच्छी किताबों को गुरु बना सकते हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं लगता तो व्यक्ति को वैसे भी नहीं बनाना चाहिए, शक्ति को बनाना चाहिए, किताबों को बनाना चाहिए। गुरु बनाने में भी बहुत सावधानी बरती है, तो गुरु जब धोखा देता है तो बहुत खतरनाक चीज होती है, अभी नकली गुरु होते हैं हालत खराब है, उनका खुद का कोई करता कोई एक चरित्र नहीं है, उनका खुद का कोई भी एक स्थान नहीं है, वो ऐसे चेले तलाश कर रहे हैं अपनी तरह अपनी विचारधारा की तरह। तो व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश कीजिए और वो पहचानने में कुछ बुक्स मदद करेंगी, और दूसरी एक नीचे हमने आपको क्रांति धर्म साहित्य के बारे में बताया 20 किताबें हैं, अभी हमारे स्टूडेंट थे वो बताने लगे कि सर आपने जो है वो 20 किताबें जो बताई है वो हमारे जीवन को बदलने वाली किताबें थी, अगर आप नहीं बताते तो शायद हमारा जीवन जो है वो पता नहीं क्या होता। ये आपने इतना बड़ा एहसान किया है कि आपने वो 20 किताबें हमको बताई, आप भी लीजिए नीचे मिलती 20 7-8 रुपए की बुक्स है, एक वो शायद 150-200 रुपए में पूरा सेट मिल जाएगा। इस क्रांति धर्म साहित्य गुरुदेव का क्रांति धर्म साहित्य है 20 किताबें हैं, उनको पढ़िए, उससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आप पहचानने की क्षमता है, लोगों को पहचानने की क्षमता है, ऐसा नहीं होता आप जो सोचेंगे वही होगा, आप पहले से कई बार कई लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोग कुछ भी बॉक्स में कुछ भी टिका जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ भी आ जाता है उनके साथ, तो आप ऐसी चीजों से लज्जाते क्यों हैं? आपके घर पे कोई कुछ बेचने आया था और उसने 2800 रुपए का चीज तो ओरिजिनल वाली दिखाई थी और जब आपने खोली तो वो 150 रुपए की निकली और 2800 रुपए लेके चला गया, कई लोग ठगा जाते हैं, दिन भर ठगा जाते हैं, आत्मग्लानी होती है, धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व घटिया हो जाता है, जब वो 4-5 बार ठगा जाते हैं तो वो इस दुनिया में ठगे हुए महसूस करते हैं, वो सोचते हैं हमको कोई भी ठग जाता है, फिर उसके बाद
बार कोई एक्सेप्ट नहीं रह जाता, फिर कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता। मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी को 4-5 आदमी दिन भर में बेवकूफ बना जाए, अब आईएएस आईपीएस को लोग अगर बेवकूफ बना जाए उनको चुना लगा जाए। अगर आपने अगर ये सब चीजें नहीं की तो आपके ऑफिस में कोई भी आएगा और अगर आप करप्ट हैं तो भी आप मारे जाएंगे। करप्ट होने में तो और ज्यादा व्यक्तित्व निकालना पड़ता है, नहीं तो हर कोई चमका जाता है ना। तो पत्रकार आता है, सर वो दरअसल आपका क्लिप जो है वो हम पहुंचा है और आपका है तो चला है। तो अगर आप डरते हैं और व्यक्तित्व तो प्रकार नहीं है तो वो चलाने की बात जैसे ही करेगा आपको अपने सेटल करते हैं, बताइए क्या मामला क्या मसला है। ऐसी तरह हमको एक आदमी का ट्रांसफर नहीं हो रहा था तो वो मंत्री का पीए था, वो करता था ट्रांसफर। हमने कहा बहुत पैसे लेके करता है, तो हमने उसको फोन किया, हमने कहा बहुत सारा मसाला इकट्ठा हो गया था। तो वो बोले आप काम बताइए। मैं वो खत्म कैसे होगा, मैंने कहा खत्म ऐसे होगा कि वो करना पड़ेगा काम आपको। मंत्री जी से आज ही रखो उसको, बोले नहीं वो हो जाएगा सुबह कम्प्लीट। लेकिन वो आप बता रहे थे वो फिर हमने कहा वो बाद में बताएंगे। फिर वो एक साल बाद फिर फोन आया मेरा, फिर से कोई काम पड़ा तो मैंने ऐसे उसको फोन लगाया, कैसे हो क्या है, मैं वही बोल रहा हूँ। पहले तो बोले अरे वो आपने ला के बताया नहीं क्या है, वो मेरा क्या मसला था। हमने कहा वो छोड़ो ना, आप क्या करना है, आप तो ये बताओ ये कर कैसे होगा। फिर वो भगवान की कृपा रही तो जेल चला गया, अब जेल में। तो ऐसा भी हो जाता है। तो अगर आपका व्यक्तित्व कमजोर है और फिर करप्ट है तो मुझे लगता है कि फिर तो आपको बहुत ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा। संभले हुए को तो संभल के रहना ही पड़ता है, और बेवकूफ नहीं बना जाए कोई नहीं, तो ठगाया हुआ आदमी अपना अपना खुद का कोसता रहता है, खुद को कोसता रहता है। ये जीवन की प्रत्यक्ष चुनौतियां आने वाली है आपके सामने। आपके घर आपके ऑफिस में दिन भर में 10 दलाल और पत्रकार आएंगे जो सौदेबाजी करेंगे। कई लोग हैं ऑफिस में आके बैठ जाते हैं, क्या करते हैं सर उससे हूं मैं जनसत्ता से फलाना से दैनिक जागरण से। अच्छा बैठ जाएंगे कुर्सी पे, अब दैनिक जागरण, अब वो उसको इशारा करना अपने क्लर्क को ऑफिसर को, भाई आए हैं हर महीने आते हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे हर महीने आते हैं, और यदि आपका व्यक्तित्व प्रखर है आपकी आवाज तेज है तो किसी हिम्मत भी नहीं तो पटक सकेगा। नहीं तो वो क्या करते हैं कि 10 बजे का फोटो भेज देते हैं ऑफिस में कोई नहीं आया ऐसा 10 बजे, और उसको 12 बजे का बता के प्रसारित कर देते हैं, देखो 12 बजे तक कोई नहीं था, और उसमें कहां लिखा हुआ 12 फोटो में कहां लिखा कि 12 बजे का फोटो था, 10 बजे जब ऑफिस में झाड़ू लग रहा था तब का फोटो है। अब आप बस गए, मैं आप उसको बोला हाँ खूब चाह यही काम है तुम्हारा, लेकिन अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, तुम्हारा कुछ आ गया किसी दिन नंबर, और तुम्हारा जो ये अखबार बिल्कुल हमारी एक हमने एक बहुत बड़े अखबार का पूरा अहंकार नष्ट कर दिया, केस लड़ा था उसके खिलाफ, उसका मौत भी है। और एक अखबार को बेचना पड़ा अपना अखबार, दूसरे लोगों को बेचना पड़ा, उसको मजबूर कर दिया, उसको इतनी तारीफें करवाई कि उसको अपना अखबार ही लिख दिया, वो दैनिक जागरण के पास चला गया। ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, ये यूट्यूब पर डाल रोते हैं वो हमारे नाम से, वो ब्लैक लिस्टेड कर रखा हमको, हमारा नाम नहीं छापते कभी। जब मैं चुनाव लड़ा था 11-9 उम्मीदवार थे तो 8 उम्मीदवारों के नाम लिखते थे और 9 नंबर लिखते थे एक अन्य उम्मीदवार। तो रिजल्ट आया तो फिर सबको क्या क्या मत मिले, उन सबके नाम के आगे मत लिखे थे, नीचे लिखा था एक अन्य उम्मीदवार के इतने चुनाव चिन्ह भी चाहता था, आज चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए 9 ही उम्मीदवारों, तो किसको क्या क्या चुनाव चिन्ह आया उसमें भी एक अन्य उम्मीदवार, बिल्कुल उसने कसम खाई थी, क्या सॉफ्टवेयर है क्या पता। अब यहाँ पे भी पहुंच गए, इतनी बड़ी क्लास चला रहे लेकिन कभी न्यूज नहीं आई, फालतू फालतू न्यूज आ जाएंगी, 10 लोग बैठे होंगे कोई कार्यक्रम हुआ वो आ जाएगा, ये नहीं आएगा। इसलिए इसको फैलाने की जिम्मेदारी हमारे योगेश भाई, वो आपको बोलते रहे इसको शेयर करो लाइक करो, इसलिए क्योंकि वो नहीं फैला रहे, इनको फैलाना चाहिए। अब आप फायदा उठा रहे हैं तो आप फैलाओ, मत फैलाओ तो मत फैलाओ, आप जो है आपको फायदा होगा बस, दूसरे को नहीं होगा।
आपने चेन को ब्रेक कर दिया। ज्यादा लोग कल्याण का जो है वो प्रचार करने का कोई फुर्सत नहीं, ना ही कोई इसकी इच्छा है। हमारा हो चुका है, हम वेल नोन है, हमने कर रखा है। ये आपको करना चाहिए, आप और कुछ नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। इतना सा वर्क करना है। सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, जब भी ओपन करेंगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जब भी ओपन करेंगे। अब कई लोग चिढ़ जाएंगे तो आपसे, इस चीज से चिढ़ जाएंगे अच्छाई से, वो गंदगी से तो आप चिढ़ते नहीं। अगर अच्छी बात है तो बार बार कोई लाइक शेयर करता है। मैं तो डिलीट होता हूँ, मैं तो करते रहता हूँ, मैं एक तरफा करता हूँ, मैं किसी का जवाब नहीं देता। सोशल मीडिया का वन वे यूज करता हूँ, किसी का जवाब नहीं देता। कौन क्या लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, अच्छी बात है, नहीं लिख रहा है। मेरा काम है ज्यादा ज्यादा लोगों को सूचना पहुंचाना, कहीं वो नहीं पहुंचाना। वो 2.5 लाख लोगों तक पहुंचा सकता है, 2.5 लाख मेरे खुद के फॉलोअर्स सोशल मीडिया। क्यों फेसबुक पे 2.5 लाख लोग, तो मैं कोई भी चीज देखता हूँ 2.5 लाख लोगों को दिखता है। दैनिक भास्कर के बराबर तो हो गया, ठीक है। तो आपकी, आप अगर इतने सारे लोग हैं, अगर आप जुड़ जाए तो बहुत ज्यादा हो सकता है, और हो सकता है तो ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। हम और कुछ कर सकते हैं, या सिलेक्शन प्रणाली कर सकते हैं, या शाम सुबह में क्लास चला करके आप लोगों को ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकें। एक क्लास सुबह कर लें, एक क्लास शाम को कर लें, हॉल में नहीं होता, या फिर शनिवार को भी क्लास शुरू करें, कुछ करें। पर उत्साह तो आपकी तरफ से आएगा, हमारी तरफ से क्यों आएगा, हमने तो कर दिया शुरुआत। अगर आप इतना भी सहयोग नहीं कर सकते, यहाँ तो हमने देखा कि और समस्या खड़ी करने वाले लोगों को, उनको हम लोगों को भगाना पड़ रहा है। बड़ी अजीब चीज है, तो ये तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है। और ये प्रवृत्ति अगर अभी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि बाद में आप लोग कोई लोक कल्याण करेंगे या जनता के कल्याण के लिए यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि ना तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं, ना जनता कर सकते। बहुत सारे तो बन भी नहीं पाए, बन इसलिए नहीं पाएंगे कि वो मारक क्षमता अंदर से आई नहीं दिखने, क्योंकि वो कर्म में आती है ना। अगर आप ऐसा कर्म नहीं करते तो आती नहीं। आप कहोगे नहीं, आपको दिख रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं, हम हैं अच्छे आदमी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छे होते हैं तो खुशबू आती है, अच्छे होते हैं तो अच्छे काम करते हैं। अच्छे आदमी का बोलना नहीं पड़ता कि हम अच्छे हैं, प्रत्यक्ष रोम रोम जो है चिल्ला चिल्ला करके आदमी का बोलता है, उसकी आंखें चिल्ला के बोलती हैं, मस्तक चिल्ला के बोलता है, बाल बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई भौतिक अभौतिक सारी वस्तुएं बोलती है कि वो किस कैटेगरी का आदमी है, उसका व्यक्तित्व क्या है। वो प्रकटता अगर आप ला सकें तो फिर आप टॉपर होते हैं। इसके लिए हिंदी में मुझे उपन्यास पढ़ने के लिए कहा गया था, अभ्युदय पढ़िए, महासमर पढ़िए, तोड़ो तारा तोड़ो पढ़िए। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग ये पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ऐसे क्रांतिकारी उपन्यास तो नहीं है, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन है गुरुदेव की किताबों का, जो 20 किताबें पढ़ने के लिए आपको कहा गया है, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। आप टाइप करेंगे नाम और इंग्लिश में रोमन में लिखेंगे तो शायद उसका इंग्लिश वर्जन आपको मिल जाए, गूगल बुक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर पाएंगे, फ्री डाउनलोड। यूं भी 3-4 रुपए की किताब इंग्लिश में भी हो सकता है कि आपको क्रांति धर्म साहित्य मिल जाए, उसको पढ़े, प्रकटता आएगी और उसको जीवन में भी डालना पड़ेगा। आप कहेंगे ना, आप तो हमारे हमारे विचार परिवर्तित कराते कराते ही। कई लोगों ने कहा हमसे कि उनके घर वाले भी कहते हैं कि आपके यहाँ जब से हमारे बच्चे आते हैं उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव है, सोचने के तरीके में बहुत बदलाव है, उनके जीवन में रहन सहन में बहुत बदलाव है, उनके दिनचर्या में बहुत बदलाव है, खाने पीने में बदलाव है, सब चीज में बदलाव है। अमूल जो परिवर्तन जब आता है तो फिर सब कुछ होता है। एक हिस्सा परिवर्तित नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम अच्छे बन के दिखाएंगे कल सुबह को अच्छे दिखेंगे या उधर से जाएंगे तो हमारे अंदर से खुशबू आएगी, ऐसा नहीं, ये सब चीजें नहीं होती। फिर बदलाव आता है तो घर वालों को भी पता चलता है, मित्रों को भी पता चलता है, मित्रों की छटनी हो जाती है, अच्छे मित्र आ जाते हैं, मित्र भी बदल जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि आप मित्र वही रहे और आप सफल भी हो जाए, नहीं। आप यदि असफल है तो आप उसके कारण आपके आसपास है, उन कारणों को हटाना पड़ेगा। दो तरह से तैयारी होगी, नकारात्मक और सकारात्मक। कुछ चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, वो अलग करना पड़ेगा, दूध और डॉट्स वाले में जाना पड़ेगा, और कुछ चीजें शुरू करना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट ईश्वर की आराधना भी करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ताकत महसूस होती है। वो ताकत महसूस करने की चीज, आप देखेंगे कि वो ड्रामा जो कर रहा है चाइनीज वाला आदमी, आप कहेंगे तो ड्रामा है, ये क्या कर रहा है, ये हाथ इधर ले जा रहा है उधर ले जा रहा है, मारता क्यों नहीं सामने वाले, उस खड़ा है शिकार सामने। कई सारे शिकारी जानवर जो है उनको आप तैयारी करते हुए देखते हैं,
वो अपनी चेहरे को आगे रखते हैं, पंजे को चिपका लेते हैं और पूरी बॉडी को इतना श्रिंक कर लेते हैं कि सिर्फ सामने से देखेंगे तो सिर्फ चेहरा दिखेगा, और पंजों में आगे के कॉर्निंग में ताकत बढ़ते हैं, और उसमें जितनी क्षमता होती है ह्यूमरस के यहाँ पर जितनी मसल्स हैं और ये बाइसेप्स वाला हिस्सा बाइसेप्स ट्राइसेप्स को इतना वो एनर्जेटिक कर लेते हैं कि उसके बाद एक ही जर्क होता है जबरदस्त, पीछे की टांगें सिर्फ गिरने के बाद बैलेंस करने के लिए काम करती है, वो बैलेंस बनाने में काम करती है, सारी ताकत झोंक देते हैं और एक ही छलांग में शिकार तक पहुंच जाते हैं, वो तैयारी करने तक। अब ऐसे कूद करके एग्जाम लिखने चले जाते हैं बिना तैयारी के बिना सोचे, मुझे लगता है कि ये अधूरी तैयारी है, आपका अटेम्प्ट भी बेकार हुआ, आप दया के पात्र भी बने और बहुत सारे लोगों में जो आपने डी में आके थे कंप्लेंट्स निकल रहे हैं, इस बार मैथ्स निकालेंगे, ये कर देंगे, फोड़ देंगे, ये करेंगे, बहुत सारे बोलते हैं फोड़ देंगे इस बार मैथ्स को, आते थे बच्चे ऐसे तो पूरी फुटफुटा जाते हालत खराब हो चक्कर निकाल लाए, हमने तो बहुत देखे हैं 20 साल झूठ भी बहुत बोलते हैं, एक तो अभी भी एक बच्चा जो आया वो 75 बोल रहा था, मैंने कहा 15 तो क्वेश्चन प्रभावित ही हो गए, और 75 कहाँ बचे तुम्हारे, तो अभी कोई हो और बोलता हो थोड़ा सोच समझ के फिर से मिला लेना नई वाली पांच उससे बहुत झूठ बोल, बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं कि हमने मैथ्स इस बार देना प्री निकल गया, प्री निकला नहीं होता, एक लड़की तो इतना झूठ बोलती थी 2012 में कि पता नहीं कहाँ से मैथ्स का पेपर भी लिया, 5 बजे परीक्षा खत्म होती थी और मेरे पास आ जाती थी 5:30 बजे पेपर लेते, बोले सर ये दिया अब कितने मार्क्स आएंगे क्या आएंगे आप बता दो, कमाल मतलब ये बहुत एक्टिव है, मैं तो दंग रह गया, मैंने कहा ये तो इसका तो होना ही, अब वो बाद में पता चला कि वो तो ये ही वो प्री नहीं हुआ था उसका, एक ने इंटरव्यू में बेवकूफ बनाया तो मैच हो गया, तो हमने उसका बहुत ख्याल रखा, हमने कहा तो बहुत काम का आदमी हो गया, अब इंटरव्यू है इसका, इसकी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है, इसका ख्याल रखा जाए, मुझे ले गया दिल्ली ले गया, मैं कहा मैं चलता हूँ ना, हाँ बोले चलो, तो यूपीएससी ऑफिस से पता नहीं कहाँ गायब हुआ इंटरव्यू वाले, जिस दिन उसका इंटरव्यू था हमने कहा आज तुम्हारा इंटरव्यू, उसको एक एक अच्छी जगह रुकवा दिया, उसकी सारी व्यवस्थाएं करवाई, वहीं से गायब, हमारे जो रिश्तेदार जितने यहाँ रुके थे वो परेशान हो गए, जो बोले कहाँ गया उसके बाद चक्कर नहीं देखा, ऐसे ऐसे लोग आईआईटी से था, पता नहीं क्यों झूठ बोलना, झूठ क्यों बोलना, ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, और ये हमने देखी है 20 सालों में देख लिया कि यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करने वाले 90% बच्चे अपने रिजल्ट के बारे में झूठ बोलते हैं, इसलिए घबराइए नहीं, किसी का भी अगर कम मार्क्स भी है 62 भी है 63 भी है 65 भी है तो तैयारी कीजिए, अभी पोस्ट बढ़ जाएंगी तो अगर इतना क्वेश्चन भी आपने सही किया है तो आप पास हो जाएंगे, बाद में आप ठगा सा महसूस करेंगे अरे पास हो गए और उधर 1.5 महीना बर्बाद कर दिया, 1 महीना बर्बाद कर दिया, सोचे मत ज्यादा मत सोचे, सोचे इसमें व्यक्तित्व बनाना, तैयारी कीजिए, एक एक क्षण का जीवन का समय है और जो जीवन से प्यार करते हैं वो समय को बेकार न करें, नीचे लिखा हुआ कोटेशन गुरु जी का कोटेशन, जीवन का आते समय, जीवन मतलब समय, आपने देखा परसों के दिन जिनकी डेथ हुई थी, तो वो किसके ज्ञाता थे, किसके वैज्ञानिक थे, समय के वैज्ञानिक थे, वो समय की स्टडी करते थे, टाइम के ऊपर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की और टाइम को ही उन्होंने जीता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बताया है कि समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है और कैसे पराकाष्ठा पर पहुंचा जा सकता है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है, पोएट्री क्लाइमेक्स तक गए नॉलेज के, और पूरी दुनिया उसको सलाम करती थी और आज भी करती है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं करता, उसके बावजूद हीरा सिंगल का आपने देखा था शरीर साथ नहीं देता, शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, छोटी हाइट थी, शरीर में बहुत सारी विसंगतियां थी, लेकिन उसने टॉप किया, तो फिर जो लोग 6 फुट के थे और जिम जाते थे और जिनका हीमोग्लोबिन भी ठीक था और पुरुष और नारी का वो बात करते हैं और तरह तरह की बात करते हैं कि हम जो है शक्तिशाली हैं, महिलाएं क्या कर सकती हैं, महिलाओं को तो ऐसे रहना होगा, वो डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है, तुम तो स्वस्थ थे बचपन से, तुम्हारे तो सारे टीके लगे थे, तुम्हारी माँ ने जो है सारे ख्याल रखे थे खाने पीने,
अभी मैंने जैसे कथाएं सुनाई थी और क्या किया था, बोर्नविटा खाया था और सारे पोषण लिए थे, प्रोटीन खाते थे, ब्रेन टॉनिक खाते थे, बादाम खाते थे। अब क्या हुआ, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कीड़ा सिंगल ले गई, इनका शरीर साथ नहीं देता। इसका मतलब है कि मन और विचारों से टॉप होते हैं, मन और विचारों से परीक्षाएं जीती जाती है, शरीर से नहीं, दिखाओ के प्रयासों से नहीं। और आपके पास जो सरंजाम पड़े हुए घर में, बहुत सारे बुक्स और नोट्स पड़े हुए, उससे भी नहीं, रटाई करने से भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ विचार, संकल्प शक्ति और मन की शक्ति, उसी से हो जाए। और उत्तर लिखने से पहले अगर वो तैयारी हो तो वो सेकंडों में आ जाती है, जो आपकी मिनटों की और घंटों की तैयारी हो उसको सेकंडों में आ जाती है। फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आप उत्तर के पहले हिस्से में आप ऐसी बात लिख देते हैं कि उसको पूरा उत्तर पढ़ना पड़ता है, नहीं भी पढ़ना पड़ता है तो पूरा उत्तर वो देखता है, रुकता है, कोई 5 मिनट में कॉपी चेक कर देता है, 5 से 10 रुपए 20 रुपए कुछ, अब शायद 20 रुपए कर लिए, कुछ पैसे मिलते हैं, और कौन पढ़ेगा इतने से पैसे में, और क्या लिखा है आपने कि वो पढ़े, और क्यों पढ़े, ऐसा क्या होने जा रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए आपके पढ़ा हुआ देखकर, लिखा हुआ देखकर, उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, उसके ज्ञान में वृद्धि हो। इस तरह से सोचना चाहिए। मैं अपने बच्चे को कहूंगा कि ऐसे आंसर लिखा, बहुत सारे टीचर तय करते हैं आंसर देखे, अगर आप इस टाइप से नहीं कर सकते तो फिर मुझे लगता है कि आप बन भी जाएंगे तो उतने काम के नहीं होंगे, देश और समाज के उतने काम के नहीं। बन तो हर साल में बहुत भीड़ बन रही, सारे लोग ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो परिवर्तन ला पाते हैं। आप बहुत कम लोगों को बार बार समाचारों में देखते होंगे, बार बार खबरों में देखते हैं, अवार्ड में एक ही जैसे व्यक्ति को बार बार मिल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये इससे हो रहा है कि उसकी वैचारिक तपस्या है। आप लोगों को अच्छा तो लग रहा है? कंटिन्यू करो ना इसको, ये आप लोग कहीं नाराज तो नहीं है? नाराज हो तो ये जगह ऐसे कि यहाँ मुझे यही करना है, ठीक है ना? मैं चुटकुला नहीं सुना सकता, मैं तो हमारे पीएम के वाले जो सारे हैं वो सब बच्चों को बुला करके फिर बाद में कुछ खास बच्चों को चुटकुले सुना, ठीक है, और उससे उनकी लोकप्रियता दी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो लेके आते थे, ठीक है। ऐसे कोचिंग भी है जो अश्लीलता प्रवेश करके भी वेट इकट्ठे करते, चरित्र खराब करके भी वेट इकट्ठे करते, बच्चों को कैसे कैसे प्रलोभन देते हैं कोचिंग के बारे में, बहुत सारा उनका खुद का भी खराब है, वो बोलते हैं ना ऐसे चेला चेली नरक में चेला चेली ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे ही होते हैं। तो आप जहाँ जा रहे हैं वहां पर एक स्पूर्ण आनी चाहिए, चेतन्यता आनी चाहिए, एक ऐसा आवाज होना चाहिए कि जिससे व्यक्तित्व का शिखर जो है ऊंचा ऊंचा होता चले। अगर ऐसा सब नहीं होता है तो आप बढ़िया रहे हो, और अगर आप ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं तो जीवन का भी कोई उद्देश्य नहीं। जीवन जो है इसको आपने स्टीफन हॉकिंग्स वाला जो आपने देखा, उन्होंने बोला है कि मैंने जब मृत्यु को नजदीक पाया तो देखा कि जीना चाहिए, वो जीवन के प्रति नया अनुराग और जीवन के नए बहाने ढूंढे गए, नए कारण ढूंढे, और उन्होंने पूरा जिंदगी एक सामान्य व्यक्ति जितना जीवन काल होता है वैसा जीवन काल उन्होंने जिया, वो शानदार जिंदगी, एक संत की जिंदगी, एक महात्मा की जिंदगी, महर्षि की जिंदगी, ऐसे ही होते थे व्यक्ति जो जीवन को ही रिसर्च में डाल देते। पुराने जितने भी हमारे ऋषि जितने माने गए भारतीय संस्कृति में, उन लोगों ने ऐसे ऋषि को जितनी भी आत्माएं थी उन लोगों ने यही काम किया, उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा का पूरा मानवता के लिए शोध करने में लगा दिया, उसी से चरण उसी से सुश्रुत आर्यभट्ट और सारी की सारी हमारी जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है वो उसी से निकली है, भारत उसी से बना है। और मनुष्य के मस्तिष्क की जितनी भी संभावनाएं हैं उनका उपयोग नहीं करना, उनका दोहन नहीं करना, ये अपराध की तरह मानवता का। तो हम लोगों को मानवता के प्रति अपराध से बचना चाहिए, बड़े संकल्प लेना चाहिए, जो भी एसएससी और रेलवे का संकल्प लेके आए हैं वो सब सिविल सर्विसेज का संकल्प, छोटा संकल्प ना बड़ा संकल्प उठाए और उसके लिए लग जाए, क्योंकि आपका मस्तिष्क कोई छोटी परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं बना। कई लोग स्टेट सर्विस को टारगेट करते हैं, अच्छी बात करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट सर्विस में भी जो टॉपर की किस्म के लोग जो होते हैं वो यूपीएससी की पैटर्न पर तैयारी करने के बाद ही पहुंचते हैं। तो आप जब तक उस तरह का उच्च जैसा मानस नहीं बना लेंगे, उस स्तर का लेखन शुरू नहीं करेंगे,
डॉक्टर के बच्चे जो होते हैं एमपीपीएससी में उनका स्तर ठीक वैसा ही होता है जो यूपीएससी की डिमांड है, वहाँ के टॉप 100 में जो आ सकते हैं वो यहाँ टॉप 10 में आ जाए। और यदि आप उस स्तर के नहीं सोचेंगे तो फिर आप टॉप 10 में नहीं आ पाएंगे, टॉप 10 में नहीं आएंगे तो फिर आप सबऑर्डिनेट सर्विसेज में रहेंगे, छोटी सर्विसेज में रहेंगे, उसका नुकसान होगा। अधीनस्थ सेवाओं में जाने से कोई मतलब, अधीनस्थ सेवाओं में शोषण एक आत्मग्लानी होती है। और जब आप पढ़ सकते हो, आपको शानदार मस्तिष्क मिला है, आप स्वस्थ हैं, हीमोग्लोबिन ठीक है, बीमार नहीं होते, मस्तिष्क दर्द नहीं होता, अगर आप 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं तो आंखें दर्द नहीं करती, तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। और जब बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो छोटे लक्ष्य अपने आप मिलते हैं, आप जानते हैं सबऑर्डिनेट सर्विस मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता। और उसी से व्यक्तित्व प्रकट होता है, तो इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाती है, वही चीज आप बताते हैं उसी तरीके से बताते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी मुझे फोन कर रहे थे कि सर इस बार यूट्यूब पे जब आप डालें थोड़ी सी इंटरव्यू की बात करें उसमें, ताकि हम दिल्ली में बैठे हैं तो हमारा इंटरव्यू रहे, तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, तो आप भी सुनिए, ठीक है। तो वो व्यक्तित्व परीक्षण के आखिर फिर से व्यक्तित्व परीक्षण वाले हिस्से में आपको अपने व्यक्तित्व को, अब कृत्रिम व्यक्तित्व होगा तो उसको पकड़ा जाएगा इंटरव्यू में, जरूर पकड़ा जाएगा। मेंस में तो व्यक्ति सामने नहीं होता, तो कई लोग जो एक्सपर्ट हो गए वो तो पकड़ लेते हैं मेंस में भी आपके व्यक्तित्व को कि आप कैसा सोचते हैं, लेकिन इंटरव्यू में तो साधारण से साधारण व्यक्ति के सामने ऊर्जा का आभास कर लेता है, तो उसको पता चल जाता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व, आप कैसा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं। तो आपको प्रश्नों की शुरुआत जो होती है उस प्रश्नों की शुरुआत को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास में जो 55-60 साल का व्यक्ति है 50-60 से ज्यादा प्रश्न नहीं होते। एक तो दिल्ली की कोचिंग में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका एक नुकसान होता है, दिल्ली की कोचिंग में जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि 10-15 दिनों में जो एक ट्रेंड आता है क्वेश्चंस का वो निकाल लाते हैं, कैंडिडेट से पूछ लेते हैं क्या क्या आपसे पूछा, उनके लोग लगे रहते हैं बाहर आपसे क्या पूछा नोट करते हैं, आपसे क्या क्या पूछा कोचिंग का लोग नोट करते हैं। और उसके बाद आगे आने वाले जो कुछ कोचिंग में लोग होते हैं जिनको वो ट्रेनिंग देते हैं वो उन प्रश्नों की तैयारी के बारे में बताते हैं, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो वो सर बताते हैं कि आपको ऐसा उत्तर देना चाहिए। उसका नुकसान ये होता है कि सब दिल्ली के इन कोचिंग से जब निकलते हैं और वापस इंटरव्यू देने के लिए जब आगे के लोग पहुंचते हैं तो जो इंटरव्यू 55-60 साल के आदमी के पास में बहुत ज्यादा प्रश्न ही होते हैं, एक तो पढ़ने से कतराता है और वो उसका घिसा पिटा एक जैसा क्वेश्चन होता है, और 50-60 प्रश्नों में ही वो पूरा इंटरव्यू 2-3-4 महीने का चेयरमैन जो है खत्म कर देता है, जो भी इंटरव्यू का चेयरमैन होता है उसके एक ही ट्रेंड होता है, एक ही स्टाइल होता है पूछने का। अब उसको ये जरूर समझ में आता है कि कल जो आलोक आया था तो आलोक ने मैंने ये प्रश्न पूछा था तो ये दिया था, तो जैसे ही मैंने देखा कि फिर संध्या आई तो संध्या ने भी वही उत्तर दिया सेम, इसका मतलब दोनों एक ही कोचिंग क्लास के थे। अब वो तैयार रहता है कि अब मैं एक ही प्रश्न करूंगा और सेम उत्तर आएगा आलोक और संध्या जैसा, तो समझ लो ये एक कोचिंग के प्रोडक्ट है। तो वहां वो कोचिंग के एनालिसिस कर रहा होता है, वो आपका एनालिसिस भूल जाता है, तो वो आपका व्यक्तित्व जो है वो जीरो हो जाता है। तो दिल्ली की कोचिंग में जो उत्तर बताए जाते हैं वो अपने आप ही नुकसान कर जाता है, क्योंकि वो वही उत्तर 70 लोगों को बता चुका होता है कोचिंग वाला, और उसी बोर्ड में सेम बोर्ड में प्रोबेबिलिटी 7 लोगों की तो कम से कम आती है 7-8 लोग उसी में रिपीट होते हैं, तो पनिश हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो फिर आपके उत्तर यूनिक होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, कोचिंग वाले जो बता रहे हैं वो उत्तर नहीं होना चाहिए, सहज उत्तर होना चाहिए। और सहज उत्तर कैसे होगा मैंने अभी बताया, जो बल के रूप में होगा, व्यवहार के रूप में होगा, तो विचार कैसे होंगे तो उत्तर आए, कृत्रिम नहीं आ सकता, कृत्रिम आएगा तो फिर पकड़ा जाएगा, वो समझ जाएंगे किसी कोचिंग वाले ने तैयार करके भेजा है इसको, वो ये बड़ा ये उत्तर देना चाह रहा है। इसलिए कभी भी कोई आदमी इंटरव्यू देके आया तो उससे प्रश्नों के सैंपल दे सकते हैं, लेकिन उसने जो उत्तर दिए हैं या किसी कोचिंग वाले ने जो बताया, कई बार कोचिंग वाले नर्वस कर देते, हमारे एक मित्र का इंटरव्यू इसलिए खराब हो गया कि वो हाथ उठता था उसका जेब में जब भी वो बात करता था, ये हाथ बिना हाथ उठाए उसकी बात नहीं होती थी, जैसे हारमोनियम बजाना जो सीखता है तो कई बार उधर उधर चला तो
बहुत तरह के एक्सपीरियंस है, आपको बता दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, तो क्या नुकसान हुआ उसका? उसने हाथ उठाना, उसने कोचिंग वाले ने जो है ऑब्जेक्शन ले लिया मॉक इंटरव्यू वाले ने कि आप हाथ उठाते हैं बार बार, इसको बंद कीजिए, ये सभ्यता में नहीं आता, शिष्टाचार में नहीं आता। और वो शिष्टाचार के चक्कर में वो शब्द ही नहीं बोल पाता, उसका इंटरव्यू बिगड़ गया। उसने सोच उसका सारा ध्यान उस हाथ पे था कि हाथ को संभाल के रखना, तो वो नुकसान हो गया। ऐसी चीजें जो होती है, ये मुझे लगता है कि वो रूढ़िवादी लोग हैं, वो समझते हैं मानव व्यवहार को नहीं समझते, क्योंकि वो आपका हाथ नहीं देख रहे, वो आपका ज्ञान भी नहीं देख रहे, वो मात्र ये देख रहे हैं कि आप सरल प्रश्नों को इंस्टेंट आंसर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, और आंसर लंबा बनाते हैं क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि आप कुछ बोलेंगे, आप बताएंगे, आपसे वन लाइन आंसर नहीं सुनना चाहते, वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आपसे। और आप बहुत देर तक जब बोलेंगे, इतनी देर तक वो आपको देखेंगे, और इस दौरान वो आपके व्यक्तित्व को परखना चाहते हैं कि इसमें आपकी पॉजिटिविटी कितनी है, सकारात्मकता कितनी है, और आप किसी समस्या को हल तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते, कि आप उसको अधूरा छोड़ देते हैं या बीच में हार मान जाते हैं, आपकी जिज्ञासा कितनी, लड़ने की क्षमता कितनी है। अगर आप ये सब कर पाते हैं तो फिर आप अपने व्यक्तित्व को बता पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में जो खास करके आपकी जितनी भी कोचिंग है जो आपको डिक्टेट करवाती है, लिखवाती है, वो सब बकवास चीज है। आप मार्केट से मटेरियल खरीद सकते हैं, नहीं तो दिल्ली के अधिकांश कोचिंग में आप देखेंगे वो लिखवा कर ये लिखिए वो लिखिए लिखिए पूरे 3-4 घंटे हो जाते हैं। आज भी मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप सप्ताह में 2 ही दिन पढ़ाते हैं और 2 ही घंटे होते हैं या 2-3 घंटे पढ़ाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? ये उससे पूछिए जो पढ़ने आते हैं उनसे पूछे क्या हो जाता है, और बोले नहीं हमने कहा आप 4 घंटे पढ़ाए थे लेकिन आप करते क्या, पढ़ाते लेकिन आप क्या करते, लिखवा कर रहे थे डिक्टेट करवाते रहते उसी चीज को। और दिल्ली में तो वो बच्चा जो है नीचे जाता है और उसकी फोटोकॉपी भेज भेज देता है, 500 रुपए में अच्छी हैंडराइटिंग वाला बच्चा जाता है और नीचे शॉप वाले से फोटोकॉपी वाले को भेज देता है, ये फलाने सर के डेट डाल देता है आज की तारीख के नोट्स, ये फलाने सर के नोट्स है, और नीचे वो फोटोकॉपी करके सबको 30-30 रुपए की 50-50 रुपए की फोटोकॉपी 100 रुपए में भेजता रहता, तो वो 5,000 रुपए कमा लेता है, उसको 5,500 उसको दे देता है, 5,000 दुकान वाला कमा लेता है शाम तक उस नोट से। और आपकी हैंडराइटिंग गंदी थी, वो 4 घंटे आपने लिखा और वहां फिर आप 100 रुपए में वो अच्छे हैंडराइटिंग वाला खरीद रहे होते हैं क्योंकि आप लिख नहीं पाए चेक करने के लिए। अब इसी कोरियर के अंदर 10 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे उसने कर रखे, 3-4 घंटे आप उससे मिला रहे हैं जिसकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है और ये कोचिंग हो गई। और एक दिन ये भी पता चलता है कि इनका छपा हुआ भी ऐसे ठीक है, तब और हो जाती है, तब तो आदमी सोचता है बाल नोच रहे मतलब ये क्या है, ये तो तमाशा हो गया, तो उसको समझेंगे कैसे, दिखेंगे कैसे? तो एक छोटा सा प्रश्न लिखिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए, जरा बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स, भारत की बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स। पांच मिनट का समय,
विचार किया है। 5 मिनट का समय, परीक्षा में 4 मिनट देखने को मिलता, मुझे लगता है 30 सेकंड को सोचना चाहिए। 20 सेकंड सोच कर थे आपको शुरुआत करनी है। तो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट सर कंसेप्ट को ले जाएंगे तो परिणति होगी जो पूरे वर्ल्ड में जो 35 है हॉट स्पॉट, लेकिन अभी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट जो है वो लगभग 8 हैं और उनमें से 2 भारत में हैं और टोटल हॉट स्पॉट्स में से 4 भारत हैं। तो ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, इंडो बर्मा की बात करते हैं और सुंडा लेक की बात करते हैं जिसमें कि अंडमान निकोबार का हिस्सा आता है। तो इस तरह से 4 हॉट स्पॉट जो बायोडाइवर्सिटी के हैं और की परिणति ये है कि लगभग 1500 स्पीशीज एंडेमिक होनी चाहिए। 1500 0.5% ऑफ टोटल स्पीशीज इन द वर्ल्ड, 0.5% यानी विश्व में जितनी स्पीशीज है उसकी 0.5%, खास करके वेस्कुलर प्लांट्स, वो भी वेस्कुलर प्लांट्स के एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट्स को छोड़कर, वो स्पीशीज जब ज्यादा है डेफिनेटली उसमें मान लिया गया है कि यदि पेड़ इतने ज्यादा है, वृक्ष इतने ज्यादा है, वनस्पतियां ज्यादा है, तो निश्चित रूप से उसी अनुपात में एनिमल्स भी ज्यादा होंगे, एनिमल बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। तो ये उसका एक बहुत बड़ा पैमाना है बायोडाइवर्सिटी मानी गई। और ये जो 35 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट हॉट स्पॉट्स है, ये विश्व की टोटल बायोडाइवर्सिटी का 50% हिस्सों में आता है, 50% से ज्यादा। विश्व में जितनी स्पीशीज होती हैं उसका 50% से ज्यादा 35 में आता है। तो भारत उसमें काफी रिच है। और जब हॉटेस्ट हॉट स्पॉट की बात करते हैं तो हमारे वेस्टर्न घाट्स और हिमालय भी उसमें आ जाते हैं। तो हम स्पीशीज वाइज भी जा सकते हैं, क्या हिमालय खार को लिख रहे हैं, नीलगिरी खार को लिख रहे हैं, फिर अब मॉन्स्टार को लिख रहे हैं, या और स्पेशल टाइप के कोई हिरण है उनका नाम लिख रहे हैं, गोल्डन अंगूर का नाम आप लिख रहे हैं, नीचे आप ब्लाइंड टेल मेकॉक का नाम लिख रहे हैं, वेस्टर्न गॉड्स उनका इसमें। और इस तरह से यदि आप 8-10 एनिमल और प्लांट और इन स्पीशीज का नाम लिखने के बाद यदि आप शुरुआत करें तो थोड़ा आकर्षक हो वो आप बना सकते हैं आकर्षक इसको। या मैंने आपको कहा था बायोडाइवर्सिटी का खजाना पश्चिमी घाट और पवित्र खजाना कह सकते हैं एक तरह से, उसमें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हिमालय का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, आयुर्वेद की जन्मभूमि, किसी भी तरह से थोड़ा सा रोचक बनाना पड़ेगा उसको। और हम एक लंबा सा 100 शब्द का एक उत्तर आप पॉइंट वाइज जो है दें, तो जितने लोग 100 शब्द लिख पाए वो बधाई के पात्र हैं। पहले तो कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोच पाए, वाटर स्पोर्ट के बारे में सोच पाए, और फिर कंजर्वेशन एक मुख्य उद्देश्य है। फिर साथ साथ ये उद्देश्य नहीं कि 1500 जो है वो जातियां जो है वो यहाँ मौजूद होनी चाहिए, 0.5% मौजूद होना चाहिए, साथ साथ दूसरी कंडीशन भी है कि उनका 70% नेचुरल हैबिटेट नष्ट कर दिया गया है। हॉट स्पॉट के लिए दूसरी शर्त है कि उसका 70% जो नेचुरल हैबिटेट था उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, यानी वो खतरे में। तो ऐसे हिस्से को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में, तो ये होमवर्क है इस बार का। इस बार का होमवर्क मैं आपको बायोडाइवर्सिटी से दे रहा हूँ, तो अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तब बायोडाइवर्सिटी पे बात होगी डिटेल। तो बायोडाइवर्सिटी के प्रकार, कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है ये लिखना, और फिर जब स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के लिए तो इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, इसका डिटेल लिखना। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की क्या कंडीशंस हैं, हाई फैक्टर्स होते हैं उसके कौन से 5 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर कौन से हैं वो आपको लिखने चाहिए। और विश्व के 8 जो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं उनके बारे में कम से कम 50-50 शब्द एक एक हॉट स्पॉट के बारे में उसका अनाउंस करना चाहिए। फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, फिर वही रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड के टॉप 10 नेशनल पार्क दुनिया के, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका में, तो ठीक वैसे ही उस स्तर के टॉप 10 नेशनल पार्क वर्ल्ड के और इंडिया के करीब 100 नेशनल पार्क, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उसके महत्वपूर्ण प्रतिनिधि जीव जो है वो आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। तो ऐसा एक होमवर्क आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा और इस बार की प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें बहुत काम आएगा। दूसरा, आप टेस्ट देते रहिए, टेस्ट यदि आप नहीं लेंगे तो आपका आना का बहुत ज्यादा जो है कोई उचित नहीं रहेगा यहाँ आने का। और रेगुलर आते रहिए
और उसको क्लास को इस तरह से मत लीजिए कि ये उसकी तरह नहीं पढ़ा रहे, दूसरों के जैसा हम कर नहीं सकते, दूसरों के जैसे आपका व्यक्तित्व यहाँ दूसरा बनेगा और आप काम के आदमी बनेंगे और समाज के और परिवार के लिए आप जो ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो मुझे लगता है कि दूसरों से तुलना करके आप पछताएं, दूसरों से तुलना मत कीजिए, किसी शिक्षक के साथ तुलना मत कीजिए, क्योंकि कोई भी शिक्षक जो है वो इस स्तर का नहीं है। हमने जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है, क्या किया है, अपने आप को बदला है, उन चीज़ों को धारण किया है, तो और इस संस्था से जुड़े हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर है। तो इस कारण से आपको जो गाइडलाइन यहाँ मिलेगी वो उसका उद्देश्य भी हमारा पवित्र है, इसमें कोई खोट नहीं है और आप उसमें निसंदेह विश्वास करके चल सकते हैं और कोई संदेह की आवश्यकता नहीं, कोई भी एम्बिग्युइटी मत रखिए और आप के साथ रहेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी हम आपकी मदद करेंगे, किसी भी तरह की समस्या होगी उसको हल करेंगे और वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे आपके मस्तिष्क में, आपके परिवार में भी, कि आप जो है आपकी तैयारी में कोई बाधा ना पहुंचे। जब संकल्प पवित्र होते हैं और अच्छे होते हैं तो फिर बाधाएं नहीं आएंगी। तो चलिए इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं, शांति पाठ।